भू माता रागिनी ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई गुरुवार को हाजी अली दरगाह पहुंची। तृप्ति धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को समान पूजा का हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच हाजी अली दरगाह पहुंची तृप्ति देसाई को दरगाह में उस जगह तक जाने दिया गया जहां आम महिलाओं को जाने की छूट है। उन्होंने वहीं से दरगाह पर माथा भी टेका। तृप्ति ने दरगाह पर माथा टेक कर मन्नत भी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि बाकी महिलाओं को भी दरगाह में जाने की इजाजत मिले। जो है वो जाहिर किया था कि मैं जो है वो बिना बता के आऊंगी। आज हम बिना बता के आए, सम्मान पूर्वक आज दरगाह में जाके हमने दर्शन लिया है। और जैसे बोला जाता है कि हाजी अली दरगाह में कोई दुआ मांगता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है, तो आज मैंने यही दुआ मांगी है कि मजार तक जो महिलाओं को प्रवेश के लिए जो पाबंदी ट्रस्टियों ने की है वो जल्द से जल्द हट जाए और सम्मान पूर्वक मजार तक महिलाओं को प्रवेश मिले। मुझे लगता है कि अगली बार सम्मान पूर्वक जो है वो हम मजार तक भी जाएंगे, ऐसा निर्णय भी आएगा। हाजी अली दरगाह के प्रबंधन ने बताया कि तृप्ति देसाई को माथा टेकने की इजाजत दी गई थी लेकिन उन्हें दरगाह के आंतरिक स्थान पर नहीं जाने दिया गया। प्रबंधन ने कहा उन्हें दरगाह के अंदर नहीं जाने दिया गया, गेट पर ही माथा टेक कर वो वापस हो गईं। जहां तक हर महिला को जाने की इजाजत है तृप्ति देसाई को भी वहीं तक ही जाने दिया गया, मुख्य मजार तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। गौरतलब है कि भूमाता ब्रिगेड के सदस्यों के मुताबिक सभी धर्मों में महिलाओं को पूजा पाठ और इबादत का समान अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए भूमाता ब्रिगेड काफी अरसे से एक मुहिम छेड़े हुए है। पहले शनि सिंगड़ापुर और फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर और कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में सफल एंट्री के बाद उनका अगला टारगेट हाजी अली दरगाह है।